नमस्कार, मैं पंडित सुभाष भारद्वाज, आप देख रहे एसीसी न्यूज टुडे। 19 सितंबर दिन मंगलवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र प्रथम पूज्य गणेश का दोपहर के समय प्राकट्य हुआ था। इसी उपलक्ष में हर वर्ष यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों हैं। जहां वे विघ्न विनाशक हैं और दुष्टों के लिए विघ्नहर्ता भी हैं। भाद्रपद मास की इस चतुर्थी तिथि को शिव चतुर्थी भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन शिवा योग और शांता योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ दिन के लिए कुछ विशेष उपाय मैं बता रहा हूँ। इन उपायों के करने से व्रत का 100 गुना फल आपको मिलता है और जीवन के सभी विघ्न भी आपके दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। गणेश चतुर्थी के दिन इन उपायों को करेंगे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन महिलाएं गुड़, घी, नमक, दुर्वा, पुआ आदि चीज़ों को पहले सास ससुर को या अपनी माता को दें। वहीं पुरुष इन चीज़ों को पहले भगवान गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और सभी कष्ट धीमे धीमे दूर होंगे। गणेश चतुर्थी के दिन दूसरा उपाय, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। जीवन में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार की चाक से थोड़ी सी मिट्टी ले लें और उस मिट्टी से अंगूठे के बराबर भगवान गणेश की मूर्ति बना लें। फिर इस मूर्ति को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ब्रह्म स्थान पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व कोण में रखें। इसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना करें। ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम मंत्र का 108 बार जप करें। इस मूर्ति की 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक पूजा करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से सभी विघ्न दूर होंगे। गणेश चतुर्थी के दिन दुर्वा की 11 गांठ बना लें और फिर उनको भगवान गणेश के माथे से लगाकर चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान गणेश को गंध, दीप, फूल, धूप, मिष्ठान आदि चीज़ें अर्पित करें और गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। यह प्रक्रिया आप अनंत चतुर्दशी तक करते रहें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। गणेश चतुर्थी के दिन जब आप फल का भगवान जी को चढ़ाएं, फल का भोग लगाएं, तो एक अमरूद का फल अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिलेगा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। धन्यवाद।